हेलो एवरीवन, सो इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ कि क्रिमिनल मैटर में अगर आप अपील फाइल करना चाहते हैं तो कौन से आर्टिकल में करेंगे और कौन से ग्राउंड्स पे करेंगे, क्रिमिनल मैटर बेसिकली क्या होते हैं। तो आर्टिकल नंबर जो है वो है 134। क्रिमिनल मैटर क्या होते हैं? तो क्रिमिनल मैटर बेसिकली वो चीज़ें होंगी जिसमें आपको कोई सज़ा मिलती है। तो सज़ा जो है वो IPC के सेक्शन नंबर 53 में बता रखी है कि कितने टाइप्स के पनिशमेंट होते हैं। तो उसमें बता रखा है कि या तो आपको मृत्युदंड मिलेगा, डेथ पेनल्टी, या आपको आजीवन कारावास मिल सकता है कि ज़िंदगी भर में जेल रही है, या फिर आपको कुछ टाइम का पनिशमेंट मिलेगा, मतलब इम्प्रिजमेंट फॉर अ टर्म, 10 साल, 5 साल, 2 साल, 1 साल, या फिर फाइन लगा दिया जाता है कि आप पैसे जमा कराओ, या फिर फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी कि आपकी जो प्रॉपर्टी इसको जब्त किया जाता है। तो इस तरह के जो है 5 फाइन जो है बता रखे हैं, पाँच तरह के जो पनिशमेंट हैं सेक्शन 53 IPC में। तो इनके अगेंस्ट आप जाना चाह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में कि भैया या तो हमें सज़ा हो गई है इसलिए जाना चाह रहे हैं, या फिर सज़ा नहीं हुई थी इसलिए जाना चाह रहे हैं। क्रिमिनल अपील जब होती है तो या तो सज़ा होती है या नहीं होती है। तो जब नहीं होगी तो एक पार्टी जो सज़ा दिलवाने जाती है वही अपील में जाएगी। सज़ा मिल गई है तो दोनों पार्टी भी जा सकती है, क्योंकि हो सकता है कि सज़ा कम दी गई हो जितनी देनी चाहिए, या फिर सज़ा जिस पर्सन को मिली है वो चाह रहा है कि मुझे सज़ा नहीं मिली हो, तो दोनों पार्टी जा सकती हैं। तो ये है क्रिमिनल अपील के लिए। आर्टिकल 134 की बात है कि हाई कोर्ट से अगर कोई ऑर्डर डिसाइड हुआ, हाई कोर्ट ने कोई आपको जजमेंट दिया है, हाई कोर्ट से अगर कोई सेंटेंस पास हुई है, उसके लिए आप अगर सुप्रीम कोर्ट जाना चाह रहे हैं तो वो कैसे जाएंगे? तो सबसे पहली बात तो ये है कि सर्टिफिकेट आपको लेना पड़ता है हाई कोर्ट से। जब भी हाई कोर्ट कोई चीज़ डिसाइड कर रहा है और आप सुप्रीम कोर्ट जाना चाह रहे हैं तो उसके लिए सर्टिफिकेट लेना पड़ता है। सर्टिफिकेट के लिए आर्टिकल 134 ए के अंदर बता रखा है कि या तो कोर्ट खुद दे देता है अपनी मर्ज़ी से कि हाँ ये सर्टिफिकेट ले जाइए और आप सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं, या फिर ओरल आप एप्लीकेशन बोलते हैं, ओरली आप कहते हैं जो पार्टीज होती हैं कि ये हमें सुप्रीम कोर्ट में अपील लगानी है। तो और ये सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ भी है। तो सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ क्या होता है ये हमने भी समझना है। तो पहली चीज़ या तो कोर्ट खुद दे देता है, या फिर सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ होता है तो कोर्ट दे सकता है। कोर्ट का डिस्क्रिप्शन है, ये कंफर्म नहीं है कि देना ही पड़ेगा। सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ है, जनरल इंपॉर्टेंस की बात है तो दे सकता है। सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ क्या होता है इस पर बात करते हैं। तो सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ जो है वो होता है कि जहाँ पे पार्टीज़ के जो राइट्स अफेक्ट होने वाली बात हो, मतलब कोई ऐसा इशू है जो डिबेटेबल है, जिस पर दोनों पार्टीज़ के आर्ग्यूमेंट आ रहे हैं और जो सॉल्व करने में हाई कोर्ट को भी थोड़ा कन्फ्यूजन लग रहा है कि यार एक्चुअल में डिसीजन क्या होना चाहिए। हालांकि हाई कोर्ट ने अपना डिसीजन दिया है लेकिन वो फिर भी थोड़ा कन्फ्यूज है, तो वो इसको सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ मानते हुए अपील ग्रांट करवा देता है कि हाँ ये जो सर्टिफिकेट है मैं आपको ग्रांट कर रहा हूँ, आप सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं। तो पहली चीज़ तो ये हो गई कि सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। अब क्या ग्राउंड्स हैं क्रिमिनल केस के? वो है कि पहला ग्राउंड ये है कि अगर मान लीजिए हाई कोर्ट नीचे कोई कोर्ट से जब उसके पास अपील आई, मतलब सेशन कोर्ट से हाई कोर्ट में जब अपील गई और हाई कोर्ट ने उस केस में डेथ पेनल्टी कर दी अवॉर्ड, मतलब सेशन कोर्ट से जो जजमेंट था सेशन कोर्ट का वो था कि ये पर्सन जो है एक्विट है, इसने कोई अपराध नहीं किया, सेशन कोर्ट ने उसको फ्री कर दिया, छोड़ दिया। फिर एक पार्टी ने अपील लगाई, अपोजिट पार्टी ने केस को छोड़ दिया जो गलत छोड़ा है, तो हाई कोर्ट के पास जब अपील गई तो हाई कोर्ट ने उसको डेथ पेनल्टी दे दी सीधे कि आपको मृत्युदंड दिया जाता है। मतलब नीचे वाला कोर्ट तो बिल्कुल छोड़ रहा है कि आप फ्री हो, आपने कोई ऑफेंस नहीं किया, ऊपर वाला जो कोर्ट है वो कह रहा है कि आपको तो मृत्युदंड मिलेगा, हाई कोर्ट कह रहा है। तो एक तो इस पॉइंट पे आप साफ साफ सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं, कोई मना नहीं है। दूसरा पॉइंट, अगर आप कोई केस विड्रॉ करते हैं, हाई कोर्ट ने कोई केस जो है वो विड्रॉ किया है लोअर कोर्ट से, तो सेशन कोर्ट या मजिस्ट्रेट कोर्ट वहाँ से विड्रॉ किया जाता है मान लीजिए, तो विड्रॉ करते हुए हाई कोर्ट जो है उस केस में, विड्रॉ करने का मतलब ये है कि उसमें अभी प्रोसीडिंग जो है वो पूरी नहीं हुई थी, वहाँ से हाई कोर्ट ने प्रोसीडिंग अपने पास ले ली कि मैं डिसीजन देना चाह रहा हूँ इस केस में, तो ऐसा कर सकता है। क्रिमिनल लॉ के अंदर जो है CRPC जो है उसके अंदर ये प्रोविजन दिए हुए हैं, 406 जो सेक्शन है, 407 है CRPC का, उसमें बता रखा है कि कैसे जो हाई कोर्ट है वो केस जो केस वगैरह है लोअर कोर्ट से कैसे ले सकता है। तो अगर उसमें जो आपने विड्रॉ किया है उस केस में भी आप डेथ पेनल्टी देते हैं, हाई कोर्ट जो है डेथ पेनल्टी देता है, मृत्युदंड देता है, तो भी आप अपील कर सकते हैं। और तीसरा जो है वो ये है कि अगर सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ है तो भी आप अपील कर सकते हैं, कोई मना नहीं है। और आपको सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ कब है कि वो सर्टिफाई कर देता है तो आप बिल्कुल अपील कर सकते हैं। फिर इसमें आगे बात करी है कि जो आप सर्टिफिकेट की बात कर रहे हैं कि सर्टिफिकेट जो मिल रहा है तो वो सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ पे मिल रहा है, तो ये कैसे डिसाइड करें कि सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ है और वो सर्टिफाइड है, कि सर्टिफिकेट जो आपको मिला उस पे हम सुन लें? क्योंकि अपील जब आप लगाते हैं तो हाई सेशन जो सुप्रीम कोर्ट है वो भी तो अपील एक्सेप्ट करेगा ना,
तो सर्टिफिकेट दे दिया तो इसका मतलब ये थोड़ी कि सुनना ही पड़ेगा, तो वो सुन ले। उसके लिए रूल्स बना हुए हैं आर्टिकल नंबर 145 में। तो इसमें प्रोविज़ो में यही कहा है कि जो रूल्स बनाए हुए हैं और जो हाई कोर्ट अपना कंडीशंस बता रहा है उसके अकॉर्डिंग ही वो अपील को सुना जाएगा, जो तीसरे नंबर की अपील है जहाँ सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ की बात है जो कि सर्टिफिकेट के साथ ही होगी। तो वहाँ पर हाई जो सुप्रीम कोर्ट के रूल्स हैं और जो हाई कोर्ट की कंडीशन है वो दोनों फॉलो हो रही हैं, तो उस अपील को सुन लिया जाएगा। जो इसमें क्लॉज टू है वो बात कर रही है कि पार्लियामेंट जो है वो लॉ बना सकती है कोई भी, जिस तरह से क्रिमिनल अपील को सुना जाए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो ये है क्लॉज टू और ये है पूरा आर्टिकल 134 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का। थैंक यू।